हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। एमओडी की शीट का डिस्कशन अपन कर रहे हैं, तो अपन आज एमओडी की शीट की एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए निकाल लीजिए एमओडी की शीट एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हमें डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है, सब्जेक्ट टू एक्सरसाइज है ये। पहला हमारे पास जो है वो कह दिया हुआ है एफ एक्स जो है ये है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करें, अगर एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और एफ एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो एक्स प्लस एच का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है। हमने यहाँ पे लगाया साइन सी माइनस साइन डी। अगर हम यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगाते हैं तो हमारे पास होता है टू कॉस सी प्लस डी वाई टू। सी प्लस डी वाई टू मतलब एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू। तो इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा एच। सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास है यहाँ पे अपन ओपन करें, ये हमारे पास आ गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया टू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू साइन। इसे अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर है, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच अपॉन टू। अच्छा, अपॉन में हमारे पास क्या है एच। अब अगर हमें ये चाहिए तो इसमें हम ऐसा करें एच प्लस टू एक्स अपॉन टू से अपन डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड कर दें, और एच प्लस टू एक्स अपॉन टू से अपन डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास हो गई चीज। अब लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो पे ये पूरा मसाला टेंडिंग टू जीरो, तो मसाला टेंडिंग टू जीरो पे साइन मसाला अपॉन मसाला टेंडिंग टू वन, तो ये वाली पूरी चीज हमारे पास वन आ जाएगी। अच्छा, अगर हम एच यहाँ जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर और टू, और यहाँ एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो टू एक्स अपॉन टू, तो ये हो जाएगा एक्स। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो गया यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। नोट कर लीजिए भाई। हाँ जी, एमओडी की शीट एक्सरसाइज 3 अपन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो गया था, अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बोला गया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वाई की जो वैल्यू हमारे पास है वो है एक्स का पावर 2y3 प्लस ऑफ 7e माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 7 इंटू 10x। ये हमारे पास y है। अगर ये हमारे पास y है तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना। अगर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो x की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/3। 7e इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 5 अपॉन एक्स तो माइनस 5 जो का तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। प्लस 7 जो का तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 7 sec स्क्वायर एक्स। इस तरीके से ये सेकेंड का फर्स्ट सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई, सेकेंड के फर्स्ट के बाद देखिए सेकेंड का सेकेंड। सेकेंड का सेकेंड अगर हम देखें तो जो y है, y इस y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर एल एन एक्स ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स इंटू
ईवी पावर एक्स, ये है। तो तीन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है। कैसे करते हैं भाई तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन? किसी एक का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों जो करता हूँ, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों जो करता हूँ, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों जो करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एल एन एक्स और ई की पावर एक्स जो करता हूँ, फिर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स जो करता हूँ, फिर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर और एल एन एक्स जो करता हूँ। सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, दिस इज द आंसर। नोट कीजिए भाई। सेकंड का सेकंड अपना हो गया, अपन सेकंड का थर्ड करते हैं। अगर हम सेकंड का थर्ड देखें तो सेकंड के थर्ड में जो y है इसकी वैल्यू हमारे पास है एल एन ऑफ टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स वाई टू, पाई बाय फोर प्लस एक्स वाई टू, ये है। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो भाई देखें, डिफरेंशिएट करें इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? एल एन मसाला का। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो एल एन मसाला का डिफरेंशिएशन 1/मसाला, तो ये हो गया टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स वाई टू। अब किसका हो जाएगा? टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स वाई टू का डिफरेंशिएशन, तो टेन मसाला का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर मसाला, तो ये हो गया सेक स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस एक्स वाई टू। अब पाई बाय फोर प्लस एक्स वाई टू का डिफरेंशिएशन, तो पाई बाय टू का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स वाई टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? हाफ। इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड का थर्ड सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड के थर्ड के बाद देखिए सेकंड का फोर्थ। वाई की जो वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू है साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको अपन को डिफरेंशिएशन इसका करना है। तो अगर हम देखें तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। अगर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो अपन यहाँ पे अपन ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है भाई डिफरेंशिएशन? वो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो जब हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर जो करता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो भैया, तो एक्स जो करता हूँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो करता हूँ एक्स का डिफरेंशिएशन वन। तो ये हमारे पास हो गया नीचे वाला और ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाला मतलब साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। तो एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और साइन एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको भाई करते हैं सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले तो ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बचा? एक्स साइन एक्स, इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये एक्स कॉस एक्स माइनस ऑफ, तो माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इन दोनों का माइनस और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया, एक्स साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा वन इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड का फोर्थ हो गया। नोट कर लीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अब सेकंड का फिफ्थ देखो भाई। सेकंड के फिफ्थ में हमारे पास वाई की वैल्यू है टेन ऑफ, अंदर है टेन इनवर्स, अंडर रूट में है वन माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। अच्छा वन माइनस ऑफ कॉस टू थीटा क्या होता है? टू साइन स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा?
टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और वन प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू. टू से टू कैंसिल, इसका अंडर रूट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा टेन एक्स वाई टू का मॉड, और ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स, और ये आ जाएगा हमारे पास टेन इक्वल टू वाई. अब दो केस होंगे जब टेन एक्स वाई टू जो है वो पॉजिटिव होगा, और जब टेन एक्स वाई टू नेगेटिव होगा. अगर टेन एक्स वाई टू पॉजिटिव होता है, अच्छा देखिए एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा है ना, तो अगर हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है तो जब टेन एक्स वाई टू की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव. टेन एक्स वाई टू की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी जब हमारे पास एक केस होगा जब टेन एक्स वाई टू पॉजिटिव होगा, और दूसरा केस हमारे पास होगा जब टेन एक्स वाई टू की वैल्यू नेगेटिव होगी. सही है, जब टेन एक्स वाई टू हमारे पास पॉजिटिव होगा तो ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा. अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, टेन ऑफ टेन इनवर्स लिखा है, टेन ऑफ टेन इनवर्स, तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी टेन एक्स वाई टू का मॉड. अब टेन एक्स वाई टू का मॉड जो है ये प्लस माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो प्लस माइनस टेन एक्स वाई टू, प्लस माइनस टेन एक्स वाई टू मतलब प्लस माइनस सेक स्क्वायर एक्स वाई टू इंटू वन वाई टू, एक्स वाई टू का डिफरेंशिएशन. तो इस तरीके से ही हमारे पास आंसर आएगा. नोट कीजिए भाई. चलिए भाई क्वेश्चन नंबर टू हो गया अपना, अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू है टू इंटू एल एन ऑफ एक्स माइनस टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ऑफ वन प्लस वन. फाइंड द वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी एवरेज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. एवरेज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की इनइक्वालिटी जो है उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है. तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो एवरेज एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, टू एल एन मसाला का डिफरेंशिएशन वन अपॉन मसाला एक्स माइनस टू का डिफरेंशिएशन वन माइनस ऑफ टू एक्स प्लस ऑफ फोर. तो अगर हम देखें तो ये वो लिखा है हमारे पास टू अपॉन एक्स माइनस टू माइनस ऑफ टू इंटू एक्स माइनस टू. टू अगर वन बाहर ले लें तो ये हो जाएगा वन माइनस ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एक्स माइनस टू. चाहे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगा दें तो वन माइनस ऑफ एक्स माइनस टू और एक हो जाएगा हमारे पास वन प्लस ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू. तो ये हमारे पास हो जाएगा टू इंटू वन प्लस टू थ्री माइनस एक्स और एक्स माइनस वन अपॉन आ जाएगा एक्स माइनस टू. यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारे पास एवरेज एक्स की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी माइनस टू ऑफ एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू. अपन को क्या सॉल्व करना है, एवरेज एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो इस इनइक्वालिटी को अगर अपन सॉल्व करें तो वन टू थ्री तीन रूट इसके आएंगे. टू डिनोमिनेटर है यहाँ पर हॉलो सर्कल आएगा, वन पे और थ्री पे डार्क सर्कल आएगा. अब यहाँ पे आना चाहिए पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो साइन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस इन्फिनिटी से लेके वन और यूनियन हो गया टू से लेके थ्री. टू तो ओपन रहेगा, वन और थ्री पे क्लोज रहेगा. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया. नोट कीजिए भाई. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर. बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स वेन एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन. ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट बोला गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. अगर हम इसको सॉल्व करें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax, ये जाएगा 2h और x इंटू वाई में हम वो डट रूल लगेगा. तो x जोका तो y का डिफरेंशिएशन y डैश, y जोका तो x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो जाएगा b, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू वाई डैश, ये हो जाएगा 2g, x का डिफरेंशिएशन 1, 2f, y का डिफरेंशिएशन y डैश और c का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू 0. अब इसे अगर अपन ओपन करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2ax प्लस 2hx इंटू वाई डैश प्लस टू एच वाई प्लस टू बी वाई इंटू वाई डैश प्लस हो जाएगा टू जी प्लस हो जाएगा टू एफ वाई डैश इक्वल टू जीरो. अब वाई डैश वाले टर्म साथ में ले लो, ये तीनों वाई डैश वाले टर्म ये साथ में आ जाएंगे, कॉमन आ जाएगा वाई डैश, तो हो जाएगा टू एच एक्स प्लस
टू वी वाई प्लस टू एफ इंटू वाई डैश, और बिना वाई डैश वाले टर्म उस तरफ ले जाओ तो आ जाएगा माइनस ऑफ टू ए एक्स माइनस ऑफ टू एच वाई माइनस ऑफ टू जी। तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ एच वाई माइनस ऑफ जी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, टू कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। नोट कीजिए भाई फोर्थ का फर्स्ट हो गया, फोर्थ का फर्स्ट अपना हो गया। अपन आते हैं फोर्थ का सेकंड। अगर हम फोर्थ का सेकंड देखें तो क्या कह रहे हैं फोर्थ के सेकंड में, एक्स वाई प्लस एक्स इंटू ई का पावर माइनस वाई प्लस वाई इंटू ई का पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, वाई जो का तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, एक्स ई के पावर वाई का डिफरेंशिएशन ई का पावर माइनस वाई, और माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ वाई डैश, और प्लस ई का पावर माइनस वाई एक्स का डिफरेंशिएशन वन। फिर यहाँ आ जाओ वाई जो का तो ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन प्लस ई का पावर माइनस एक्स जो का तो वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। अब हम क्या करें वाई डैश वाली टर्म साथ में ले लें, तो वाई डैश वाला एक टर्म ये है और वाई डैश वाला एक टर्म ये है, सही है, और वाई डैश वाला एक टर्म ये है, तो अगर वाई डैश साथ में लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इंटू ई का पावर माइनस वाई प्लस ई का पावर माइनस एक्स इंटू हो गया वाई डैश, ये टू एक्स। बिना वाई डैश वाला टर्म उस तरफ ले जाओ तो ये माइनस वाई, और क्या बचा भाई, ये हमारे पास वाई डैश यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ एक्स ई की पावर वाई आएगा, ये माइनस का साइन भी आएगा, यहाँ से एक्स आएगा वाई डैश बाहर आ गया और वाई डैश कहाँ था, यहाँ था, तो ई की पावर माइनस एक्स वाई डैश। अब ये टू एक्स है, ये वाई उस तरफ गया तो माइनस वाई, ई का पावर माइनस वाई उस तरफ गया तो माइनस ई का पावर माइनस वाई, ये वाला पूरा आइटम उस तरफ गया तो ये माइनस है, इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस वाई इंटू ई का पावर माइनस एक्स हो गया भाई। सभी ये भी उस तरफ चला गया, ये भी उस तरफ चला गया, ये भी उस तरफ चला गया, तो हमारे पास जो है वाई डैश है इसकी वैल्यू आ गई टू एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ ई का पावर माइनस वाई प्लस वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू ई का पावर माइनस वाई प्लस ई का पावर माइनस एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास। नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट देखिए, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइव का फर्स्ट, फाइव का फर्स्ट जो है वाई की वैल्यू है एल एन एक्स का पावर कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे भाई, फंक्शन के ऊपर फंक्शन जब चढ़ा रहता है तो क्या करते हैं दोनों तरफ लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा एल एन वाई इक्वल टू एल एन ऑफ एल एन एक्स का पावर कॉस एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा एल एन वाई, ये कॉस एक्स बाहर आ जाएगा तो ये जाएगा कॉस एक्स इंटू एल एन ऑफ एल एन एक्स। अब अपन यहाँ पे बायपार्ट लगाते हैं, सॉरी अब यहाँ पे अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एल एन वाई का हो जाएगा वन अपॉन वाई इंटू वाई डैश, यहाँ पोडट रूल लगेगा, कॉस एक्स जो का तो एल एन मसाला का डिफरेंशिएशन वन अपॉन मसाला और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, और ये हो गया हमारे पास एल एन ऑफ एल एन एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स। तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई वाई, वाई यहाँ चला गया और ये आ गया हमारे पास कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एल एन एक्स, ये माइनस ये प्लस हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू एल एन ऑफ एल एन एक्स, ये वाई की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकेंड देखते हैं। हमारे पास जो y है, y इसकी वैल्यू है x का पावर x माइनस ऑफ 2 का पावर साइन x। अगर हम इसको देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू अपन u ले लेते हैं और ये v ले लेते हैं, तो y डैश की वैल्यू जो है वो u डैश माइनस v डैश होगी, इक्वेशन नंबर वन। अपन यहाँ पे u डैश और v डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब u की वैल्यू जो है वो x का पावर x है, फंक्शन का पावर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन चढ़ा रहता है तो क्या करते हैं लॉग लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे लॉग लेंगे तो एल एन यू और यहाँ पे लेंगे तो एक्स इंटू एल एन एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन यू इंटू यू डैश, ये एक्स एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स एल एन एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो वाई डैश की वैल्यू आ गई यू
इंटू वन प्लस एल एन एक्स, और यू की वैल्यू क्या थी, एक्स का पावर एक्स, तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाई डैश नहीं यू डैश होगा ना, यू था यू डैश, तो यू डैश की जो वैल्यू हमारे पास हो गई वो यू मतलब एक्स का पावर एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स, ये अपन ने यू डैश की वैल्यू निकाल दी। अब वी डैश की वैल्यू निकालें तो वी तो टू का पावर साइन एक्स है, यहाँ तो लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं चढ़ा है, कॉन्स्टेंट का पावर फंक्शन चढ़ा है, तो ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए का पावर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन मसाला कॉस एक्स इंटू एल एन ए, ये वी डैश आ गया। अब हमारे पास यू डैश और वी डैश आ गया, यहाँ अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ गया, नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ का थर्ड पार्ट। फिफ्थ का थर्ड पार्ट अगर अपन देखें तो y की वैल्यू हमारे पास है x इंटू एल एन एक्स का पावर एल एन ऑफ एल एन एक्स, एक्स इंटू एल एन एक्स का पावर एल एन ऑफ एल एन एक्स, अगर दोनों तरफ मैं लॉग ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा एल एन वाई, यहाँ पे ये लॉग लिया अपन ने तो x ऑफ x एल एन एक्स का पावर एल एन ऑफ एल एन एक्स, ये चीज़ उठ के बाहर आ जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा एल एन वाई एल एन ऑफ एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू एल एन एक्स। अब इसे अपन डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये एल एन वाई का डिफ्रेंशिएशन तो बहुत आसान है, वन अपॉन वाई इंटू वाई डैश, यहाँ एक दो तीन तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, पहले का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों जॉब करते हो, दूसरे का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों जॉब करते हो, तीसरे का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों जॉब करते हो, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा वन अपॉन एल एन एक्स और एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स और एक्स इंटू एल एन एक्स जॉब करते हो, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन एल एन ऑफ एल एन एक्स और एल एन एक्स जॉब करते हो, फिर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स एक्स और एल एन ऑफ एल एन एक्स जॉब करते हो, तो यहाँ एल एन एक्स एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा वन, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हुआ तो ये हो गया एल एन एक्स इंटू एल एन ऑफ एल एन एक्स, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल तो क्या हो गया एल एन ऑफ एल एन एक्स, ये चीज़ हो गई, ये वाई यहाँ चला गया इक्वल टू आ गया वाई डैश। अब वाई की ये जो वैल्यू थी यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, नोट करिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, बोला गया है पी एन इज सम ऑफ जी पी अपॉन एन टर्म्स, पी एन क्या है सम ऑफ जी पी, मतलब ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन, शो डैट वन माइनस आर इंटू डी ऑफ पी एन अपॉन डी आर इक्वल टू एन इंटू पी ऑफ एन माइनस वन माइनस ऑफ एन माइनस वन इंटू पी एन, ये है, मतलब इसको क्या किया है आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, फिर यहाँ पे पी एन माइनस वन और पी एन के फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो पी एन की बेसिकली जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, ए वन माइनस आर का पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, ये तो पी एन की वैल्यू होगी। अच्छा, पी एन माइनस वन की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ए वन माइनस आर का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, ये पी एन माइनस वन की वैल्यू होगी। अब अगर इसे अपन आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डी ऑफ पी एन अपॉन डी आर करते हैं तो ए तो आ जाएगा बाहर, अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा डी अपॉन डी आर ऑफ वन माइनस आर का पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, तो जब ये ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला होगा तो अपन वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला मतलब वन माइनस आर डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, तो वन का जीरो एन इंटू आर का पावर एन माइनस वन माइनस ऑफ ऊपर वाला वन माइनस आर का पावर एन डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला वन का जीरो आर का माइनस वन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर वन माइनस आर का स्क्वायर, ये हमारे पास जो है इतनी चीज़ें यहाँ तक आ जाएंगी, पहले यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास हो गया डी ऑफ पी एन अपॉन डी आर, ये बाहर तो ए है ही, अब ये देखो ये अंदर गया तो ये हो गया माइनस ऑफ एन इंटू आर का पावर एन माइनस वन, ये माइनस माइनस हो गया प्लस तो एन इंटू आर का पावर एन, अच्छा ये माइनस प्लस तो प्लस वन और ये माइनस ऑफ आर का पावर एन अपॉन
वन माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमारे पास डी ऑफ पी एन अपॉन डी आर इक्वल टू आ गया ए। अच्छा अगर मैं देखूँ ये है वन माइनस एन इंटू आर का पावर एन माइनस वन, और ये हमारे पास है एन इंटू आर का पावर एन माइनस ऑफ आर का पावर एन अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो इसको अपन और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ए देखो, हम जो हमारे पास जो प्रूफ कर रहा है उसमें ए की वैल्यू नहीं है, तो ए की वैल्यू अपन निपटा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम क्या करें, हम ये 1 माइनस आर की पावर एन को साथ में ले लें, इन दोनों में से जो हमारे पास कॉमन आएगा वो एन आर कॉमन आएगा। अगर हम एन आर कॉमन ले लें तो एन आर का पावर एन माइनस वन, एन आर नहीं, एन इंटू आर का पावर एन माइनस वन कॉमन ले लें, एन इंटू आर का पावर एन माइनस वन अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ हमारे पास माइनस वन आएगा। अच्छा माइनस भी ले लो तो ये जाएगा वन माइनस आर, इसके अपॉन में कर दो वन माइनस आर का अपॉन में हमारे पास हो जाएगा वन माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास बाहर है ए इक्वल टू हमारे पास है डी ऑफ पी एन अपॉन डी आर। यहाँ तक नोट कीजिए। हाँ भाई, यहाँ तक अपना हो गया था। अब इसके बाद मैंने क्या किया, ये वन माइनस आर की पावर एन तो ले लिया साथ में, अब इनमें से मैंने ऐसा किया मैं प्लस एन कर दूँ और एक माइनस एन कर दूँ। प्लस एन के साथ मैं ले लूँ एन इंटू आर का पावर एन माइनस वन, माइनस एन के साथ ले लूँ एन इंटू आर का पावर एन अपॉन हो जाएगा वन माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर मैंने ऐसा लिया तो क्या होगा भाई, अगर मैंने ऐसा लिया तो क्या हो रहा देखो जरा, ये तो हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ पी एन अपॉन डी आर, ये हो जाएगा ए, ये वन माइनस आर का पावर एन हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ से n कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा 1 माइनस आर का पावर n माइनस वन, और अगर मैं यहाँ से माइनस n कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा 1 माइनस आर का पावर n अपॉन हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये कहानी आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़े तो ये हमारे पास हो गया n इंटू 1 माइनस आर का पावर n माइनस वन। अच्छा ये दोनों साथ में लिया तो माइनस 1 माइनस आर का पावर एन कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एन माइनस वन, ये बाहर ए था है ना, अपॉन में हमारे पास है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और बाहर हमारे पास है ए इक्वल टू डी ऑफ पी एन अपॉन डी आर। सबसे पहले एक 1 माइनस आर हम यहाँ ले गए तो 1 माइनस आर इंटू डी ऑफ पी एन अपॉन डी आर, अब ए चला गया अंदर तो एन ए 1 माइनस आर का पावर एन माइनस वन अपॉन 1 माइनस आर, एक वन माइनस आर तो यहाँ चला गया था, माइनस ऑफ एन माइनस वन ए वन माइनस आर का पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो वन माइनस आर इंटू डी ऑफ पी एन अपॉन डी आर की जो वैल्यू है एन, ये क्या है पी ऑफ एन माइनस वन, माइनस एन माइनस वन ये क्या है पी एन। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, नोट कीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में बोला गया है अगर x की वैल्यू है ए टी क्यूब एंड y की वैल्यू है बी टी स्क्वायर तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की वैल्यू 8b अपॉन 27 a क्यूब t का पावर 7। ये अपन को प्रूफ करना है भाई साहब, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, बड़ी मेहनत तो वाला काम है। अपन ऐसा करते हैं पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये तो आ जाएगी डी वाई बाई डी टी अपॉन हो जाएगा डी एक्स वाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 2t इंटू बी, और डी एक्स वाई डी टी मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो 3t स्क्वायर इंटू है, टी से टी कर दिया कैंसिल, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी ये जाएगी 2/3a इंटू 1/t। यहाँ अब तक हमारे पास आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स आ गया, हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस पूरा आइटम तो ये है 2/3a इंटू 1/t।
अपन ने dx से मल्टीप्लाइड किया, dx से डिवाइड किया, अच्छा dt से करना पड़ेगा, dt से मल्टीप्लाइड किया, dt से डिवाइड किया, क्योंकि t का फंक्शन था, इन दोनों को चेंज कर दिया, 2/3 है तो बाहर आ गया, ये आ गया d अपॉन dt ऑफ 1/t इंटू हो गया dt बाई dx। आगे बढ़े भाई, क्या निकाल रहे हैं अपन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 2/3 है तो बाहर आ गया, 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर, और dt बाई dx की वैल्यू क्या होगी, 1/ ऑफ dx वाई dt, dx वाई dt का रेसिप्रोकल, तो 1/dx वाई dt, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर इंटू a। तो अगर हम देखें तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस, ये हो गया 2, 3 इंटू 3 9, ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, और 1/t का पावर 4 हो गया, ये आ गया अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है माइनस 2/9 ए स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड में है 1/t का पावर 4। अब हमें निकालना है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस 2/9 ए स्क्वायर इंटू टी का पावर माइनस 4। हमने डी टी से मल्टीप्लाइड किया, डी टी से डिवाइड किया, इन दोनों को किया इंटरचेंज, तो यह आ जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ माइनस 2/9 ए स्क्वायर टी का पावर माइनस 4 इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो माइनस 2/9 ए स्क्वायर तो बाहर हो गया, टी का पावर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन टी का पावर माइनस 4 इंटू टी का पावर माइनस 5, ये होगा ना, और इंटू आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8/9 ए स्क्वायर 1/t का पावर 5। अब dt by dx की वैल्यू रख दो तो 1/dx y dt मतलब 3t स्क्वायर इंटू ए, ये आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ गया हमारे पास 8, 9 इंटू 3 हो गया 27, ए स्क्वायर इंटू ए हो गया ए क्यूब, और t का पावर 5 इंटू टी का पावर 2, ये हो गया t का पावर 7, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट कीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है कि जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू है x का पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ वन, एफ डैश या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, एफ डैश 1/(1), एफ टू 1/(2), एफ थ्री 1/(3), अप टू एफ एन 1/(n)। यहाँ पे ये जो एफ डैश एक्स है इट रिप्रेजेंट आर एट डेरीवेटिव। तो भैया अगर हमारे पास एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू है x का पावर n, तो यहाँ हम 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो 1/1 हो गया। फिर एफ डैश ऑफ x की जो वैल्यू आएगी ये आएगी n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, n अपॉन फैक्टोरियल 1। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आएगी n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स का पावर n माइनस 2, तो ये हमारे पास n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगी। तो देखो अगर हम देखें तो ये बेसिकली हमारे पास लिखा है nc 0, ये हमारे पास लिखा है nc 1, ये लिखा है nc 2, तो कॉमन सेंस लगाए लास्ट में जाएगा nc n, और इसका सम क्या होता है 2 का पावर n, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 का पावर n। क्वेश्चन नंबर देखिए 10th, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है लिमिट x इज टेंडिंग टू है 0, और ये हमारे पास है a sin x माइनस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स का पावर 4। बोला गया है इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c n लिमिट।
अब अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो रहा है। न्यूमिनेटर में अगर देखें तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो रहा है, जीरो अपॉन जीरो वाला केस हो रहा है। अच्छी बात है, तो हम ऐसा करें लॉपिटल लगा दें। अगर लॉपिटल लगाते हैं तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा ऊपर वाले का, ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये हो गया बी, ये हो गया टू सी एक्स और ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर। यहाँ भी डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर एल एन एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस एल एन ऑफ वन प्लस एक्स जो का तो टू एक्स स्क्वायर का फोर एक्स माइनस ऑफ सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ फोर एक्स क्यूब। अब जीरो पुट करें डिनोमिनेटर में तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। न्यूमिनेटर में जीरो पुट करेंगे तो ये वन, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ए माइनस बी अपॉन जीरो। लिमिट जब डिफाइन होगी जब जीरो अपॉन जीरो हो जाए, तो यहाँ से हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू जीरो, मतलब ए इक्वल टू बी, ये इक्वेशन नंबर वन आ गई। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हम अगर एक काम करें, हम ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, देखें भैया, अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, जब ए इक्वल टू बी है तो यहाँ बी की जगह मैंने ए रख दिया, तो ए तो कॉमन आ गया, तो ये आ गया कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास है टू सी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और अपॉन, यहाँ एक्स स्क्वायर से करेंगे तो टू अपॉन वन प्लस एक्स, यह जाएगा फोर इंटू एल एन ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस ऑफ सिक्स प्लस ऑफ फोर एक्स। अब देखें भाई, अगर हम एक्स स्क्वायर को, अगर हम एक्स को जीरो पुट कर दें तो ये वाला टर्म यहाँ पे नॉट डिफाइन करेगा चीज, तो ये वाला टर्म हो ही ना, तो ये कम नहीं होगा जब सी जीरो होगा, तो सी की वैल्यू जीरो हो गई तो ये वाला टर्म ही गायब हो गया। अब जैसे अपन ने एक्सटेंडिंग टू जीरो किया तो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो ये वैल्यू माइनस हाफ, तो ये माइनस ए वाई टू प्लस थ्री। यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टू, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस फोर माइनस सिक्स। अच्छा, दिक्कत क्या हो रही, देखो जरा अभी अभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, अभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया है तो न्यूमिनेटर में भी जीरो आना चाहिए, तब तो जीरो अपॉन जीरो होगा। तो न्यूमिनेटर में जीरो कब आएगा, जब माइनस ए वाई टू प्लस थ्री की वैल्यू जीरो होगी, और अगर माइनस ए वाई टू प्लस थ्री की वैल्यू जीरो होगी तो इससे हमारे पास ए वाई टू की वैल्यू थ्री होगी, तो ए की वैल्यू सिक्स होगी, तो ए की वैल्यू सिक्स आ गई, बी की वैल्यू सिक्स आ गई और सी की वैल्यू जीरो आ गई। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए भाई। अब जैसे हमारे पास ये चीज़ आ गया, अपन ने यहाँ पुट कर दिया, ए की वैल्यू क्या पुट कर दी, सिक्स, तो ये हमारे पास आ गया लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, ये हो गया सिक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वन, ठीक है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर जो पहले से था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन, और ये चीज हमारे पास आ गई टू अपॉन वन प्लस एक्स प्लस फोर इंटू एल एन ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस ऑफ सिक्स और प्लस फोर एक्स, ये था। अगर हम यहाँ पे जीरो पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस हाफ, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टू प्लस फोर सिक्स, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस सिक्स जीरो, तो ये जीरो अपॉन जीरो खेल हो रहा है। तो अपन कुछ ऐसा करें कि भाई यहाँ पे जीरो अपॉन जीरो को सॉल्व करना पड़ेगा, तो अपन एक्स स्क्वायर से वापस मल्टीप्लाइड जो था वो रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा सिक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू फोर इंटू एल एन ऑफ वन प्लस एक्स माइनस ऑफ सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब। अभी भी जीरो अपॉन जीरो आ रहा है, तो अपन अभी यहाँ पे फिर से लॉपिटल लगा देते हैं। अगर हम लॉपिटल लगाते हैं तो सिक्स जो का तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और प्लस हो गया हमारे पास सिक्स एक्स। यहाँ देखें भाई, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा टू, नीचे वाला वन प्लस एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन टू एक्स, ऊपर वाला टू एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस फोर इंटू एल एन वन प्लस एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वेल्व एक्स प्लस ऑफ ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो ऊपर तो जीरो आ रहा है
और नीचे हमारे पास क्या रहा है, देखो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 0.0 ही बनता जा रहा है। चलो देखते हैं, कुछ और करना पड़ेगा, हो सकता है। नोट कीजिए यहाँ तक, देखो भाई वहाँ तो लॉपेटल लगाते जा रहे थे, दुनिया ख़त्म ही नहीं हो रही थी, इसलिए हमने फिर से क्वेश्चन लिखा। अब यहाँ पे हम ए की, बी की और सी की वैल्यू पुट कर दें, तो सी की वैल्यू तो जीरो है, ए की वैल्यू है सिक्स, बी की वैल्यू भी सिक्स, तो सिक्स साइन एक्स माइनस सिक्स एक्स, तो साइन एक्स सिक्स, साइन एक्स माइनस एक्स, प्लस है एक्स क्यूब। अपॉन में अगर हम देखें तो ये है टू एक्स स्क्वायर एल एन ऑफ वन प्लस एक्स माइनस ऑफ टू एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर फोर। मैंने क्या कि एक्स क्यू से डिवाइड कर दी दुनिया, तो ये एक्स क्यू हो गया, ये वन हो गया। यहाँ एक्स क्यू से करेंगे तो यहाँ अपॉन में एक्स आ गया, यहाँ टू हो गया और यहाँ एक्स बचा। अब अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यू देखें तो क्या होता है, वन बाय सिक्स। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वन, तो ये टू माइनस टू प्लस जीरो, ये कहानी होगी ना भाई। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे तो हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर तो आ रहा है टू और नीचे आ रहा है जीरो, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट थोड़ी भाई साहब। क्या क्वेश्चन क्या था, लिमिट इज फाइनाइट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड लिमिट, है ना। यहाँ पे एक्स की पावर फोर की जगह एक्स की पावर थ्री का या एक्स की पावर टू का एक्सपेंशन होना चाहिए था, है ना, एक्स की पावर थ्री होना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था। ये x की पावर 4 है तो ये तो चीज़ अपने पास x बचेगा तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो ये लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है। इस क्वेश्चन में करेक्शन है, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको अगर कुछ मुझे मिलेगा तो। ये क्वेश्चन फिलहाल तो गलत है क्योंकि ए बी सी की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन ए बी सी की वैल्यू रखने के बाद लिमिट की वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही है। चलिए मैं देखता हूँ, नोट कीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन ये पन्ने लॉ पेडल से किया था और वो ख़त्म हो गई थी कहानी, क्योंकि हमारा उसमें आंसर ही नहीं आ रहा था, है ना, हमें ऐसा लग रहा था क्वेश्चन ही गलत है। तो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए और क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, लॉ पेडल से भी ना हो रहा हो, तो हमारे पास आखिरी में ब्रह्मास्त्र रहता है। उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जो है सोच समझ के ही किया जाता है सबसे लास्ट में, है ना। पहले ही से चिपका दो तो मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, मालूम चला कोई सस्ते निशाने से निपट रहा हो शिकार अपना और अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो लास्ट में ब्रह्मास्त्र रहता है, अपन अब ब्रह्मास्त्र का उपयोग इसमें करने वाले हैं, और वो ब्रह्मास्त्र होता है एक्सपेंशन ऑफ सीरीज। अब इसमें हम साइन एक्स का और एल एन वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन लगा देते हैं। अब साइन एक्स का एक्सपेंशन अपन को पता होना चाहिए भाई, क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव। भाई देखो ऐसा है, अपन और आगे नहीं बढ़ते हैं, हाइएस्ट पावर एक्स का और फोर दिया है, अपन फाइव तक बढ़ जाओ, माइनस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन टू एक्स स्क्वायर। अब एल एन वन प्लस एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स क्यू वाई थ्री। इसमें भी और आगे तक नहीं बढ़ रहे, हाइएस्ट पावर एक्स का पावर फाइव यहीं आ जाएगा, माइनस ऑफ टू एक्स का पावर थ्री प्लस एक्स का पावर फोर। अब यहाँ हिसाब किताब मिला दो भैया, जैसे हम यहाँ पर हिसाब किताब मिलाते हैं हाइएस्ट पावर के हिसाब से लिखते हैं, हाइएस्ट पावर एक्स का पावर फाइव दिया जाएगा ए अपॉन फैक्टोरियल फाइव, मतलब ए अपॉन 120 इंटू एक्स का पावर फाइव। फिर एक्स का पावर फोर तो कहीं नहीं आएगा, एक्स का पावर थ्री आएगा, यहाँ से इसका कोफिशियंट वन आएगा और यहाँ से माइनस ए वाई सिक्स आएगा, तो प्लस वन माइनस ए वाई सिक्स इंटू आ जाएगा एक्स की पावर थ्री। फिर एक्स की पावर थ्री के बाद एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, बिल्कुल यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। फिर एक्स का यहाँ से जाएगा ए और माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू एक्स अपॉन। अब यहाँ देखो x की पावर 5 कब आएगा, जब ये दोनों मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बाई थ्री एक्स का पावर 5। अच्छा x और 4 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो यहाँ से तो आ जाएगा 1, अच्छा यहाँ से भी 1, तो कैंसिल ही हो गया, ओहो नहीं आएगा। एक्स क्यू आएगा कि बिल्कुल आएगा, यहाँ से माइनस टू एक्स क्यू, यहाँ से प्लस टू एक्स क्यू, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब ये बचा भाई साहब। अब ये इसका आंसर जब आएगा, जब ये x का पावर 5 और ये x का पावर 5 बस बचे, बाकी सब निपट जाए, मतलब ये वाली चीज़ भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये जीरो मतलब सी की वैल्यू तो जीरो हो गई, ये जीरो मतलब ए इक्वल टू बी हो गया, और ये जीरो मतलब ए की वैल्यू सिक्स हो गई। क्या बात, ये तो सही आई थी। अब ये दोनों बचेंगे तो एक्स का पावर फाइव, एक्स का पावर फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो जो लिमिट की वैल्यू हमारे पास होगी वो होगी ए अपॉन 120,
डिवाइडेड बाय 2/3, तो ए तो ये 6 है, 6/120 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, तो 6 से तो ये 20 हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 3/40। तो लिमिट की वैल्यू जो है वो 3/40 हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो भैया, क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा देखने में गलत है, गलत नहीं था, वो उस मेथड से नहीं हो रहा था, लॉपिटल से नहीं हो रहा था। कई बार लिमिटेशन भी हो जाती है लॉपिटल में, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, फिर उसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? अपन एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की शीट सॉल्व कर रहे हैं। शीट में अपन एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 के फर्स्ट टाइम क्वेश्चन अपन ने आज कर लिए। आगे के क्वेश्चन अपन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।